हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टीम में। डेस मिस्टर, आपको मैंने अभी दो दिन पहले ही अपडेट किया था हिंदुस्तान मोटर को लेके कि बहुत बड़ी खबर आ रही थी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वापस से एम्बेसडर, जो कार इसकी बहुत ज़्यादा फेमस थी हिंदुस्तान मोटर की, वापस से ईवी व्हीकल के रूप में री एंट्री ले रही है। और उसी को लेते हुए कल एक और लेटेस्ट खबर आई है जिसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लगातार इसमें रैली बनी हुई है, शेयर अभी 21 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो सारी चीज़ों का जो भी पूरा अपडेट है इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम लोगों के दो चैनल हैं, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड, एक क्रिप्टो करेंसी से। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिलने वाली है। बात कर लें कल की वीडियो पे, तो MRPL पे हम लोगों ने बात किया था, 107 रुपये के अराउंड था। कल भी 20% का मूवमेंट था और आज भी क्रूड ऑयल रिफाइनरी की जो भी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं अपने इंडिया में, लगभग बहुत सारी आज अच्छा परफॉर्म की हैं, उसमें MRPL भी रहा है। तो इसके सारे अपडेट को जानने के लिए आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करने पड़ेगा। और इथेनॉल पे भी, जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया था कि हम लोग 20% तक का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है ऑयल के साथ वो कर लेंगे, 2030 तक का चल रहा था, फिर अब 2025 तक का अनाउंस कर दिया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है। हम लोगों ने 10% का टारगेट अचीव कर लिया है जो कि बहुत अच्छी बात है, पर 20% अचीव करने का जो टाइम पीरियड अब हो गया है वो 5 साल के अंदर अंदर दिखता है। 5 साल भी नहीं रह गए हैं, 2022 चल ही रहा है ये, तो 2025 तक का है। तो देखते हैं कि अगर ये 1-2 साल स्ट्रेच भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 20% स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके ऊपर आप खान सर की वीडियोस देख सकते हैं, इसके ऊपर ग्लोबल अफेयर की चैनल पे वीडियो मिल जाएगी इथेनॉल को लेके। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी आइडिया लग जाएगा कि इन फील्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे किन कंपनियों में करना चाहिए, कौन सी कंपनियाँ इनको ध्यान में रखते हुए इंजन पे वर्क कर रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग फिलहाल इस पे हिंदुस्तान मोटर को लेके बात कर रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों। देखिए तो 21 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आज भी 5% का लगा है, लॉक हुआ है अपर पे जाके। अर्निंग पर से ये 0.9 हो रही है, और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी मार्केट में, क्लियरली ये बहुत अच्छा बूम ऑलरेडी आने से पहले ही करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार इसमें लोग इच्छुक हैं जानने के लिए, निवेश दबादब किए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ही चर्चा थी एम्बेसडर कार की जब थी मार्केट में। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 22.5 है, और जो अभी इनका मॉडल का व्यू आया है, देखिए ये लोग इस तरीके की दिखने वाली है, कॉन्स्टा करके कमबैक करने वाला है, ठीक है। तो पहले एम्बेसडर का भी निकल के आया था कि उसको ईवी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, अभी नाम इन्होंने बता दिया है कॉन्स्टा होने वाला है, और उसके चलते जो देखिए कितनी कूल दिख रही है, अगर इस तरीके की दिखने वाली है तो यकीन मानिए दोस्तों, काफ़ी गजब का यहाँ पे हमको देखने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, एक एम्बेसडर का चल ही रहा है इलेक्ट्रिक मॉडल का, और एक कॉन्स्टा नाम का, ये अकॉर्डिंग टू मोटर बीम वेबसाइट है, वहाँ से इन्होंने पता लगाया है कि जो इन्होंने रजिस्टर्ड किया है नाम वो कॉन्स्टा होने वाला है, और इसी वजह से आज आपको अभी भी ग्रोथ इसमें बनी हुई है। तो दिख काफ़ी कूल रही है, अगर इस तरीके के मॉडल में आती है दोस्तों तो काफ़ी लोग चाहने वाले हैं। आपको भी, आप भी कमेंट में बताइए कि आपको ये इसका लुक कैसा लग रहा है, ये फ्रंट से हो गया और ये बैक साइड से हो गया व्यू, आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस तरीके से अगर दिखने वाली है तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, आगे आप लोगों को, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगने वाला है। बाकी इसकी हम अगर फाइनेंशियल कंडीशन पे बात करें हिंदुस्तान मोटर की, तो धीरे धीरे ग्रोथ हो ही रही है, 12 महीने में बात किया जाए तो सेल बढ़े ही नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ियां बंद ही कर दिया है, और करंटली जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो बस कुछ CC वाले रह गए हैं, तो इनका कुछ इतना डिमांड नहीं रहता, तो इतनी बड़ी सेल नहीं हो पाती है। पर अब ये जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में कमबैक करने वाली है तो बहुत लोग इच्छुक हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ये अपने जो इंजन है ये 20% ब्लेंडिंग को सपोर्ट करने वाले, जो इथेनॉल को सपोर्ट करने वाले हैं उनके भी बनाएंगे ये लोग आने वाले टाइम में। अभी र्यूमर में ही है, अभी मतलब क्लियर नहीं है, पर जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब व्हीकल बनने वाली है, तो ये चीज़ रहेगी। बाकी इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सेल ग्रोथ अच्छा हुआ है, तो धीरे धीरे देखिए दोस्तों, अगर ये
जो अभी कंडीशन वाइज इसी वजह से लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। चार्ट में भी आपको दिखेगा कि लगातार ग्रोथ बनी हुई है। बीच में भी जब र्यूमर फैले थे तब भी इसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला था, पर इस बार जेन्युइन है क्योंकि काफ़ी जगहों पर रजिस्टर किया है, काफ़ी जर्मन के साथ इन्होंने कोलैब किया है, पार्टनरशिप किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मॉडल और बाकी चीज़ों को लेके। तो इस वजह से इस बार जो लोग हैं वो ज़्यादा इच्छुक हैं पिछली बार से, और आपको इसी वजह से दिख रहा होगा कि शेयर 10 रुपये से 21 रुपये आ चुका है और बिना किसी रुकावट पे। और ये लगातार अगर देखा जाए दोस्तों तो 23 मई से और आज 8 जून है, इतने ही कम टाइम पीरियड में, मतलब 20 डेज भी नहीं हुए हैं और शेयर ने 100% रिटर्न दे दिया, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और इसी वजह से आपको दिख रहा होगा इसमें लगातार अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ग्रोथ हो रही है क्योंकि हर कोई इसमें अपना दिखा रहा है। और आप लोगों को भी मैंने बताया था कि अगर आपका लॉन्ग व्यू रहता है तो जरूर से आप इसमें खरीदने के लिए जाइए, मैंने आपको टारगेट भी यहाँ तक दे रखे थे। तो अब हम लोगों के टारगेट भी अचीव 19.85 रुपीज़ वाला हो चुका है, अगला टारगेट 24 रुपीज़, उसके बाद 27 रुपीज़ का लेके चलने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज तो अपर सर्किट रहा इसलिए बाई का कुछ इतना अच्छा बना नहीं, इसलिए आपको कम वॉल्यूम दिख रहा होगा, पर इससे पहले के डेज देखे जाए तो 9 मिलियन चला गया था वॉल्यूम, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें अगर आपको लॉन्ग व्यू के बजाय अगर आप शॉर्ट व्यू देख रहे हैं दोस्तों, तो एज इट इज़ सेम कॉल रहने वाली है कि 11.65 रुपये से 13.65 रुपये के बीच में अभी इसकी जो मतलब जोन दिखता है खरीदने के लिए। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, जैसे कि आप इसमें 3 से +5 ईयर का व्यू लेके चलते हैं, तो करंट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, तब आप इंतज़ार करेंगे तो जाहिर सी बात है शेयर 50+ तो होने ही वाला है और भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यही फिलहाल के लिए अपडेट हो जाएगा हिंदुस्तान मोटर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो, और लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।